जी प्रणाम, भोजपुरिया समाचार में आप स्वागत बटू है। भोजपुरिया समाचार एक बार फिर से अब पंचायती सर्वे लेके आए बटू है। बता दी रूरा सभी के कि खबर के खूब लाइक सब्सक्राइब शेयर करी, कहे से कि बक्सर जिला के हरेक पंचायत के मुखिया जी लोग के बताई कि काल तक के जौन भोजपुरिया समाचार सर्वे कैले बटुए के आगे बाग के पीछे बटुए, कहे से कि एक पहले भोजपुरिया समाचार अपन धमक देखा दिले बा। भोजपुरिया समाचार विधानसभा चुनाव में बतैलस कि महागठबंधन चारों सीट को जीत हासिल कर सकत है। ओमे तीन गो तो कन्फर्म बता दिल रहे, एगो बक्सर वाला सीट के आगे पीछे बतेले रहे, लेकिन इहो बतेले कि अंततोगत्वा मुन्ना तिवारी, संजय तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी जीत जाइ। वैसने भइल, अंततोगत्वा चारों सीट जीत गए महागठबंधन। अब बात कैल जाओ पंचायती चुनाव के, तो एक भी सर्वे भोजपुरिया समाचार के पास आ गया। भोजपुरिया समाचार आज रूरा सबके बताई कि चौंगाई प्रखंड के पाँच गो पंचायत बा, पाँचों पंचायत में मुखिया जी लोग के का हाल रही, मुखिया जी लोग जीती कि कांटा के टक्कर हुई, जिला पार्षद के का हुई जो वर्तमान जिला पार्षद बटुए। तो सबसे पहले शुरुआत कैल जाओ हमनी के खेवली पंचायत से। तो खेवली पंचायत के बारे में सबसे ज़्यादा रोरा सबके जानकारी खातिर भोजपुरिया समाचार बता दे कि एहिजा से दो आदमी लड़ाई में बा, जेकरा बीच में ई लड़ाई भइल पिछला बार भी। एगो रही श्री कुसुम जी, जेकर पिताजी के देहांत हो गए, लेकिन अब लड़ाई जौन रही तौन काफ़ी कर्कश हुई नचा मार करब खेवली में, लेकिन अंततो गतवा या दुए गो प्रत्याशी मुख्य रूप से दिख रहा बने जेकरा बीच टक्कर हुई। उ दू गो प्रत्याशी, एगो पिंटू सिंह आ एगो बी डी सी जो बटुए हुए वर्तमान में खेवली से झलकू राम। लेकिन अभी काल तक के जौन आंकड़ा बटुए ओ में ढेर लीड आगे बना के पिंटू सिंह नचा पंचायत मुखिया के चल रहा बनी, यानी कि अभी अंतर बहुत दूर के बटुए। जौन सर्वे भइल उ रैंडम जाँच होला, हमार भी आदमी जौन भोजपुरिया समाचार के सर्वे करता बने उ चाय के दुकान पे पान के दुकान पे जाके चर्चा करी है। ऐसा व्यक्ति जरा के रोरा चिंतो ना हो खब और रोरा से पूछ ली हैं, ई भोजपुरिया समाचार के तरीका बा इस सर्वे बटुए। तो नचाब पंचायत से पिंटू सिंह आगे चला तनी काल तक के सर्वे में, बाकी चुनाव अभी टाइम बटुए, लेकिन सर्वे पहले काल तक के भोजपुरिया समाचार बता रहा बटुए। बात कर जाओ माफ कर खेवली पंचायत से पिंटू सिंह आगे बनी, अब नचाब पंचायत से चल जाओ। तो नचाब पंचायत में तीन लोग के बीच में पिछला बार टक्कर भई रहे, वीर सिंह, वीरेंद्र यादव और कमल यादव के बीच। जनामे वीर सिंह लगभग 1070-80 वोट ले रही, जीत हासिल कैले रही, वो जो वीरेंद्र यादव 70 वोट से हारल रहन आ कमल यादव भी कुछ आगे पीछे रहन। यानी कि अब टक्कर केकरा बीच में हुई, तो यह बार वीरेंद्र यादव लीड बनावत नजर आवत रहे, वीरेंद्र यादव अभी आगे बढ़ सकता रहन, वीरेंद्र यादव इस बार जीत हासिल कर सकता रहन। लेकिन काल तक के आंकड़ा बटुए, यानी अभी काल तक जो आंकड़ा बटुए वीर सिंह पीछे चल रहा बानी, वीर सिंह के स्थिति अभी ठीक नहीं है। ऐसे अभी जो वीरेंद्र यादव बा एजा नचाब पंचायत से आगे चलत रहे, बाकी कमल यादव के भी कम ना कर जाए, कहे से कि कमल यादव लुंगी धोती वाला आदमी 30-40 वोट से वीरेंद्र यादव से पीछे रहन, तो कमल यादव भी लीड बना सकत रहन, तो कांटा के टक्कर हो सकता। तो एक बार देखे के बटुए कि का होत बड़ुए, वीर सिंह रह पाई हैं आ कि कौनो नया कमल यादव जीत जाए हैं। लेकिन अभी तक जो आंकड़ा बकरा वीरेंद्र यादव आ कमल यादव दोनों टक्कर बने, वीर सिंह के सीट लूज होकत नजर आवता काल तक के आंकड़ा के अनुसार। बाकी समय बताई कि का होई का ना होई, एकरा बाद भी सर्वे होई भोजपुरिया समाचार के। बात कैल जाओ हमनी के मसरिया पंचायत से, तो मसरिया पंचायत में तीन गो मुखिया जी लड़ रहे, जौन में एगो शिवजी प्रसाद 800+ वोट आयल रहे, जौन में दूसरा नंबर पर ओझा बराव के वीरेंद्र राम आ मनोज कुमार तीसरा स्थान पर रहन। तो लेकिन ऐसे कि सुरक्षित सीट हटुए, तो बता दी कि मसरिया पंचायत से बड़ा खबर आ रहा बा कि यह बार सीट हार सकतनी शिवजी प्रसाद, आए जे जीते वाला मनोज कुमार, मनोज कुमार सीट जीत सकतनी। तो भोजपुरिया समाचार के सर्वे बकाल तक के आवे वाला समय में कुछ भी परिवर्तन हो सकेला, मुखिया जी लोग मेहनत करी, हो सकता कि जनता के दिल जीत लेवे। तो काल तक के सर्वे बा कि मसरिया पंचायत से जे आगे बढ़ रहा बा सर्वे के अनुसार मनोज कुमार। बात कैल जाओ पांडेपुर के,
पांडेपुर में बता दी कि ओइजा कोनो श्रवण कुमार एगो रही जरा के लगभग 295 वोट से हारल रहन आ शिवजी हजाम ओइजा बनल रहन। तो एक बार फिर से शिवजी हजाम अपन दबदबा कायम रखे, ये भी पिछड़ा सीट हटुए तो शिवजी हजाम एजा से फिर से दोबारा अपन कब्जा जमा सकतनी। काल तक के सर्वे के अनुसार बात कल जाओ मुख्य चौगाई पंचायत के, तो चौगाई पंचायत में अभी जौन स्थिति बा एजा तो महिला सीट बा, लेकिन महिला के ना नाम लेके पति के ही नाम लियाओ, कहे से कि पति ही लोग एजा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेवेलन आ उनके नाम से लोग प्रसिद्ध बटुए। तो बात कल जाओ वर्तमान मुखिया अवनीश नारायण यादव उर्फ राजेश यादव जो मुखिया बटुए, लेकिन अब की पारी इनका धक्का लग सकता है। जौन सर्वे बता रहा बा ओकर अनुसार बड़कू सिंह लीड बनावत निकाल तक, लेकिन आवे वाला समय बताई काहे एक पीछे कारण बा कि तीन तीन गो कैंडिडेट बैठ चुकल बड़े, जौना में एगो हरेंद्र प्रताप सिंह और बद्री सिंह के पत्नी खड़ा रही वो बैठ गई लक्ष्मी सिंह के, और साथे साथ वीरेंद्र सिंह के ये लोग बैठ गए बा। लेकिन ओइजे यादव प्रत्याशी के रूप में देखल जाओ तो अवनीश यादव के प्रत्याशी के रूप में सत्यनारायण यादव के एगो पत्नी खड़ा बाड़ी आ एगो अजीत यादव के पत्नी खड़ा बाड़ी। तो बड़कू सिंह के वोट जौन मिले जा रहा बद्री सिंह वाला लगभग 60-70% वोट जौन बटुए तौन तब्दील हो जी बड़कू सिंह में, तो बड़कू सिंह बढ़त बनावत नजर आ रहा बा निकाल तक में। बाकी समय बताई भले प्रत्याशी जिलों के थोड़ा सा बुरा लगे, लेकिन सच्चाई बटुए सत्य आंकड़ा बटुए से कि भोजपुरिया समाचार लगातार सर्वे कैले बटुए पिछला महागठबंधन के जीत दिखावत रहे आ उहे भइल, तो सच्चाई से केहू रूबरू मने दब ना सकेला छुप ना सकेला ये सच्चाई बटुए ये काल तक के आंकड़ा बा। जिला पार्षद में बात कल जाओ तो जिला पार्षद में बंटी शाही हरेंद्र प्रताप सिंह गुरबद्री सिंह आ लोहा यादव ये तीनों लोग के बीच कड़ा टक्कर बटुए, लेकिन लोहा यादव अभी लीड बनावत नजर आ रहा है। लेकिन लोहा यादव के परेशानी हो जाए जब दिनेश सिंह सूर्या का भी चर्चा चला था, कुछ लोग से पता चल रहा था कि दिनेश सिंह सूर्या भी खड़ा हो सकते रहे, तो सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में दिनेश सिंह सूर्या भी बहुत काम के लिए बढ़े, तो अगर दिनेश सिंह सूर्या आ जाते रहे तो लोहा यादव खातिर परेशानी हो जाए। एजा बद्री सिंह के खड़ा भैया से बंटी शाही के नुकसान होके जा रहा बटुए, बंटी शाही एक बार अभी काल तक के आंकड़ा के अनुसार पीछे चल रहा बानी लोहा यादव एक पो दू पो बंटी शाही और तीसरा पो हरेंद्र प्रताप सिंह और बद्री सिंह, यानी तीनों के बीच कांटा का टक्कर बटुए केहू जीत सकेला केहू हार सकेला ये भोजपुरिया समाचार। अब बद्री सिंह के ऐसे नाम लिया था कि महागठबंधन के प्रत्याशी के भरपूर सपोर्ट कैनी प्लस राजद कैंडिडेट बनी एजवा से अभी राजद ही महागठबंधन के प्रत्याशी जौन बटुए माले प्रत्याशी जीत हासिल करे बनी, तो हो सकता कि अंततो गतवा सारा माले पार्टी भी आके एक में सपोर्ट करे, लेकिन आवे वाला समय का हो तो देखे वाला बा। लेकिन जौन आंकड़ा रहा बा एक पो लोहा यादव दू पो बंटी शाही तीन पो बद्री सिंह, अब दिनेश सिंह सूर्या आज हैं तो मामला में ट्विस्ट आ जाए, लेकिन अभी कन्फर्म नहीं है। तो भोजपुरिया समाचार के लाइक सब्सक्राइब शेयर करी, तो फाइनल रिपोर्ट जान ली कि नचाप से के बटुए, नचाप से अभी कांटा के टक्कर बा, वीर सिंह पीछे चल रहा बानी, वीरेंद्र यादव और कमल यादव के बीच टक्कर बटुए। बात कल जाओ मसरिया से तो मसरिया से मनोज कुमार आगे बानी, बात कल जाओ मुरार से तो मुरार से फिर शिवजी हजाम दोबारा मुखिया बन सकतनी, चौगाई से बड़कू सिंह आगे। अब बात कल जाओ हमनी के एगो और पंचायत छूटत बढ़ुए खेवली पंचायत, जहाँ पिंटू सिंह फिर लीड बना रहा बनी जिला पार्षद में तीन लोग के बीच तक करवा, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करी। बहुत कमी होता कंजूसी होता रोरा सब के शेयर करे में लाइक करे में सब्सक्राइब करे में, इतना मेहनत से सर्वे बनावत रहें लेकिन ओकर परिणाम ही नहीं मिला, तो रोरा सबसे हाथ जोड़ी बा कि रोरा सब खबर के खूब शेयर करी, भोजपुरिया भोजपुरिया के बढ़ावे में सहयोग करी। प्रणाम गोड़ लगातनी नमस्कार।